सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस डिंगम का। तो गाइस डिंगम के पिछले एपिसोड में हमने देखा होगा कि तुम्हारे भाई के विलेज में खुल चुकी है एक नई बैंक, और उस बैंक के अंदर तुम्हारे भाई ने डाल दिया है सारा का सारा पैसा। अभी जाके चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरे भाई बैंक में जो है ना गाइस कितना भाई इंटरेस्ट मेरे को मिला। भाई ये 107 रुपया इंटरेस्ट जो है ना गाइस एक दिन का मेरे को मिला है 1.5 लाख डिंग्स पे। और अगर मैं अपने बैंक में लगभग 10 या 20 लाख रुपए डालता हूँ तो डेली मेरे हिसाब से मेरे को 1000 रुपए जो है ना गाइस वो मिल जाएगा इंटरेस्ट। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो अभी अपन जो भी पैसे कमाएंगे ना, जब तक हमको इसका कोई यूज नहीं होता ना, तब तक हम बैंक में डाल के रख देंगे। तो गाइस अभी आज का जो एपिसोड है हमारा डिंगम का, शुरू करने से पहले जो भी बात कर लेता हूँ ये कौन है रे अच्छा ये ना गाइस रुक जाओ सो तनिक मेरे को बताइए कि आपका कोई मिशन है क्या? गॉट जॉब फॉर मी कुक्ड बश बुश लाइम। कुक्ड बुश लाइम क्या होता है? आई डू इट। कुक्ड बुश लाइम कैसी होती है बाबा? अच्छा ये बुश लाइम को मैं कुक्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है मैं कुक कर लेता हूँ, ठीक है उसके बाद इसको दे देता हूँ। वैसे मेरे पास जो ना गाइस वो तो पड़ी हुई है ग्रिल, इस पर मैं कुक कर सकता। अरे यार सच में इसमें कुक कर सकता भाई, मतलब फ्रूट भाई ये कुक करके कौन खाएगा भाई? ये भाई एप्पल को कुक करके खाने जैसा हो गया मेरे को लग रहा है ये। ठीक है चलो इन भाई मैडम जी को मैं दे देता हूँ ये। अच्छा रुक जाओ तनिक, एक काम कर लीजिए, आई वॉन्ट टू चैट, दिस इज फॉर यू श्योर। ये आपका ये कुक्ड वाला, ठीक है ये बुश लाइम बीम जो भी है वो भाई, ठीक है लेट्स गो। अभी इसने मेरे को क्या दिया, एक चड्डी दी भाई। मेरे को चड्डी बिड्डी नहीं चाहिए, मेरे को एक काम करना है, ऑर्डर इससे करना है मेरे को। ये एक ऑर्डर करूंगा मैं, अभी ऑर्डर क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। अभी देखना डायरेक्टली राजू हो जाएगा, राजू डायरेक्टली राजू हो जाएगी गाइस। देखना अभी इससे बात कर लेते हैं अपन। वांट टू चैट, लेट्स टॉक, ग्रेट एप्पल, ओके ठीक है, स्ट्रॉन्ग गाइस, ओके ठीक है, पीपल ऑल द सेम, ओके ठीक है। अभी इससे जो ना गाइस मैं यहाँ से भी भाई थोड़ी चीजें जो ना गाइस वो खरीद लेता हूँ। सो मे बी ये जो ना गाइस यहाँ पे अपने भाई एक्वा हाईलाइट पे जो ना गाइस रहने के लिए राजू हो जाएगी, ठीक है। ये गाइस ओ माय गॉड गाइस, क्या बोला था तेरे भाई ने क्या बोला था, गाड़ी निकाल रही, गाड़ी निकाल भाई, दादी जी के पास जाके इसके लिए भी घर बनाएंगे अपन, लेट्स गो। मजाक हो रहा है क्या गाइस, देख रहे हो? मुझे बता था भाई कि अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो भाई ये राजी हो जाएगी और अपने साथ। अरे भाई बर्ड को डायरेक्टली भाई पट्टे से हेडशॉट दे दिया भाई, चिल्ला दिया भाई बर्ड ने इतने ज्यादा जोर से भाई, अपनी बाइक से उसका एक्सीडेंट करा दी इसमें भाई। ठीक है चलो भाई, तेरे भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है भाई, ठीक है चलो गाइस पहुंच गया भाई अपन। ओके भाई सलमान भाई, ठीक है हेलो कैसे हो दादी जी? तो भी क्या बोलती पब्लिक? ओके क्या नहीं सी डीड्स कितने के बताओ? 1,80,000, नो प्रॉब्लम, अब भी कंप्लीट कर लेता भाई, अब भी कंप्लीट कर लेगा अपन, लेट्स डू इट। ओके चलो, मैंने सारा लोन जो ना जो पहले पे कर चुका हूँ मैं, सो इसलिए जो ना गाइस दादी जी मेरे को डीड बड़े आराम से दे देगी, ठीक है अपने इन्वेंटरी में भी काफी ज्यादा जगह है। चलो गाइस अभी फटाक से जो ना गाइस अपन चल दे, ये क्या चीज है, प्लेस आइटम, ये क्या चीज है, ये यहाँ पे ये क्या चीज है? अच्छा मैं दादी जी का घर अपग्रेड कर सकता हूँ क्या? शुड आई प्लेस मटेरियल्स, ये क्या चीज है समझ नहीं आ रहा। आई थिंक दादी जी का घर अपग्रेड करने का बात चल रहा है, क्योंकि मैंने भाई अपना तो घर अपग्रेड कर दिया लेकिन दादी जी अभी तक झोपड़े में रह रही है यार, उसलिए शायद मेरे को दादी जी का घर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। और दादी जी का घर अपग्रेड करने से मे बी मेरे को नए नए फीचर जो है ना गाइज वो हमारे दादी जी के घर के अनलॉक्ड हो जाए, और मैं वहाँ पे भाई कुछ नई नई चीजें शायद भाई नए लाइसेंस में भी बाई कर सकता हूँ। मैं जरा देख लेता हूँ कि दादी जी के पास कौन कौन से नए लाइसेंस आए पहले भाई, ठीक है। सो लेट्स नहीं भाई, अप्लाई फॉर लाइसेंस, कौन से नए लाइसेंस आया है भाई? माइनिंग लाइसेंस आया है जिससे आयरन का वो बन जाएगा, वो नहीं चाहिए मेरे को। और कोई लाइसेंस है 5,50,000 वाला? वो हेलीकॉप्टर मिलेगा, गेट इंस्टेंट एसेस ऑफ बिल्डिंग एल, बिल्डिंग लाइसेंस, ओके ठीक है, बिल्डिंग लाइसेंस नहीं चाहिए यार मेरे को। टूल बेल्ट ओल्डर, टूल बेल्ट ओल्ड भाई, ओके ठीक है। कार्गो लाइसेंस नहीं भाई, 3 स्लॉट बढ़ेंगे खाली अपने भाई उसमें, सो ये तो मैं बढ़ाना नहीं चाहता फिलहाल के लिए भाई।
व्हीकल लाइसेंस है, मैं 7,500 का व्हीकल लाइसेंस ले लूंगा गाइस, ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए चल के जो है ना गाइस, ये डीड जो है ना गाइस, मतलब ये जो घर है हमारे प्यारे प्यारे से उस मैडम जी का, वो लड़की क्या नाम था उनका, वो मैडम जी का नाम भूल गया गाइस, जो हमारी कपड़े देने वाली जो मैडम जी है ना गाइस, उसका घर अपने भाई टाउन में लगा देते फटाफट से गाइस, ठीक है। हाँ बस ये बनाने के लिए मेरे को काफ़ी सारा मटेरियल चाहिए, काफ़ी सारा गाइस, ठीक है। सो ये मटेरियल इकट्ठा करते करते ना तुम्हारे भाई की बैंड बजने वाली है शायद, देखते चलो क्या हुआ। अच्छा मैंने गाड़ी जो शायद कुछ ज़्यादा ही चला ली, उस लिए गाइस हमारा मिशन जो है ना गाइस, ये कोई तो भाई कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वेट अ मिनट, कौन सा मिशन कंप्लीट हो चुका है, कितने टोकन्स, 200, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर तुम्हारे भाई ने गाड़ी चलाई, 5 किलोमीटर भाई, मैं जागो रह गया। चलो अभी पहले मेरे को जो ना गाइज ये घर बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी, वो जगह है गाइज यहाँ पे, मैं इसी के साइड में जो ना गाइज एक प्यारा सा जो घर है वो बनाऊंगा, बट मेरे को सबसे पहले डर्ट जो है ना गाइज वो रिमूव करनी पड़ेगी ना गाइज, मेरे को सबसे पहले डर्ट रिमूव करनी पड़ेगी। सो मैं डर्ट, अरे यार यहाँ नहीं डालनी अंकल, पीछे डाल दिए, ठीक है डर्ट रिमूव करता हूँ। एंड यहाँ पे जो है ना गाइज, जो हमारा नया डीड है गाइज, जो नया घर होगा ना गाइज, वो यहाँ पे लगा देंगे अपन। वैसे मेरे हिसाब से मैक्सिमम सारे, अच्छा वो मुर्गी वाला बंदा अभी तक नहीं आया ना, वो मुर्गी वाला बंदा जो है ना गाइज, उसका एक डीड भाई अभी तक बचा हुआ है गाइज, बाकी मेरे को लग रहा है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हाँ डन, लगा दो लगा दो लगा दो जी शॉप। हाँ जी बताइए मेरे को अभी सामान क्या चाहिए, मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा। सो मेरे को जो ना गाइज गम वुड एंड पाम वुड चाहिए, बाकी तो भाई आयरन वो चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ मांग ली से यार। क्रिस्टल डाल देता हूँ, ये दो चीज़ें तो अपने पास पड़ी हुई थी भाई, ठीक है। क्रिस्टल और सीमेंटिंग पेस्ट, सीमेंटिंग पेस्ट नहीं सारी, क्रिस्टल और सीमेंट डाल दिया मैंने, अभी कॉपर और नेल 18 और भाई ओके ठीक है, कॉपर चाहिए और नेल चाहिए, बाकी के लॉग्स मेरे गाइज आई थिंक बॉक्सेस के अंदर पड़े हुए होंगे, ठीक है मेरे को ऐसा लग रहा है, देखते चलो पहले यहाँ से। अरे यार आज तो ये कॉपर भी नहीं बेच रहा, क्यों जॉन सर जी कॉपर पेपर नहीं बेच रहे हो तुम, व्हाट इज दिस बिहेवियर। चलो मेरे से थोड़ा सा भाई सामान ले लो, मेरे पास फालतू का सामान बढ़ा हुआ है यार। हाँ जी ये ले लो जी, ये तो भाई रख लेता हूँ जाके, ये क्या है, अच्छा ये भी ले लो। चलो भाई पिगी बैंक दा गए, जो मेरे किसी का आप गाड़ी है अभी फिलहाल के लिए, तो वो भी ले लो, पिगी बैंक भी ले लो, चड्डिया ले लो यार, एक चड्डिया पॉकेट में गाइज मैंने खरीद ली, लेकिन कोई ना अपना ये चड्डिया खरीदने से जो है ना गाइज मिशन तो कंप्लीट हुआ गाइज, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। चलो गाइज तो मेरे को जो ना गाइज थोड़े से प्लैंक्स चाहिए होंगे, और ये 3 है भाई यहाँ पे, मतलब मेरे को थोड़ा और चाहिए होगा, 9 टोटल ये रहा, ठीक है रुक जाओ मैं अगर इसको पिघला देता हूँ तो अपना काम हो जाएगा गाइज 25। अभी कहाँ पे चला गया वो, अब मैंने और उठाया तो था गाइज मेरे हिसाब से ना, नहीं मैंने नीचे रखा था खाली, ठीक है। और क्या चाहिए मेरे को, हाँ 3 बार चाहिए होगी, नेल्स तो 8 ही है, सो मेरे को जो ना गाइज एक और भाई 3 बार जो ना गाइज पिघलानी, ये करनी पड़ेगी, तोड़ के नेल्स बनानी पड़ेंगी, ओके। बाकी तो भाई हार्डवुड नहीं चाहिए मेरे को, गम वुड के और उसके प्लैंक्स चाहिए, एक है मेरे पास, हाँ गम वुड के हैं, पाम वुड के प्लैंक्स गाइज उतने ज़्यादा नहीं है, मेरे को पाम वुड के प्लैंक्स चाहिए थे बट वो मेरे को ज़्यादा नहीं मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपने पास है ही नहीं। पाम वुड प्लैंक है भाई, हो गया काम 25 गाइज, पाम वुड प्लैंक मिल गया। अभी मेरे को खाली जो है ना गाइज यहाँ पे रुक जाओ, बाहर पिघलाने के लिए डाल दिया क्या मैंने, रुक जाओ इसको पिघलाने के लिए डालता हो, एंड अभी खाली मेरे को यहाँ पे नेल्स बनाने, जब तक नेल्स बनेगा तब तक गाइज बाहर अपना जो क्या कॉपर है वो पिघल जाएगा एंड अपना सारा सामान रेडी है गाइज, ठीक है लेट्स गो। अबे जल्दी पिघल जाऊँ, ठीक है ये सीमेंट वीमेंट जो ना, अच्छा पिघल गया पिघल गया पिघल गया, उठा लेता होगा, ठीक है चलो आ जाओ लेट्स गो मेरे भाई, बोले तो बोल दू था भाई, सारा सामान तुम्हारे भाई के पास पड़ा हुआ था गाइज, मेरे को खास कुछ सामान जो ना गाइज अभी बनाना पड़ा नहीं, सारा का सारा सामान पड़ा हुआ था। ये लो जी डन, क्या नहीं यार मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़े से पाम वुड के प्लैंक्स कम पड़ गए और नेल्स कम पड़ गए, मतलब मेरे को एक और आयरन का पत्थर जो है ना गाइज वो तोड़ के नेल्स बनानी पड़ेगी और थोड़ा सा जाके पाम वुड लेके आना पड़ेगा। छी भाई यार आयरन नहीं, सॉरी अपना टिन भाई, टिन टिन टिन, ये ले बेटा टिन से अपन बना दिए गाइज 8 नेल्स, नेल्स तो अपने पास आ चुके हैं बट अभी मेरे को जाके जो है ना गाइज थोड़े से पाम वुड जो है ना वो तोड़ने है गाइज। मैं यहाँ से भाई फूल जो है ना गाइज वो भी उठा लेता हूँ, मेरे को लग रहा है ये फूल जो है ना गाइज वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि मैंने जो है ना गाइज किसी मतलब इसे मतलब इन फूलों को ज़्यादा देखा नहीं है, सो इसलिए इनको बेच के देखूंगा मेरे को कितने पैसे मिलते हैं, अगर ज़्यादा पैसे मिले तो काफ़ी सही रहेगा। देख रहे हो रॉयल, नाम में भी रॉयल है गाइज, तो रॉयल है तो मेरे हिसाब से गाइज काफ़ी ज़्यादा महंगे तो होने चाहिए ना मेरे भाई। चलो आ जाओ, मैं जो है ना पाम वुड वाले लोकेशन पे आ चुका हूँ, एंड मेरे को ना यहाँ पे ट्रीज कैसे लगाते हैं ना देखना पड़ेगा यार, क्योंकि गाइज सारे ट्रीज मैंने तोड़ दिए और अभी यहाँ पे पाम वुड ही खत्म होने वाला है, देख रहे हो गाइज आप, जरा सा खाली पाम वुड बचा है,
बाकी सारे के सारे ट्री जो ना कैसे मैंने तोड़ दिए है, और वापस इस वाले एरिया में जो ना ट्री उगने का नाम ही नहीं ले रहे। सो मेरे को ना फटाफट से यहाँ पे ट्री कैसे लगाते वो सीखना पड़ेगा। अगर आपको किसी को पता है ट्री कैसे लगाते तो मेरे को बता देना। मैंने जो ना कैसे देखो ये डायरेक्टली जाके ऐसे नॉर्मली ये देखना, मैंने नॉर्मली जाके ऐसे सीड लगाने की कोशिश करी लेकिन लगता नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐसा खोद के इसके ऊपर सीड लगाने की कोशिश करी फिर भी नहीं लगता है। सो मेरे को समझ नहीं आता कि ये भाई पेड़ जो है ना कैसे वो लगेंगे कैसे। अगर आपको बताए तो ज़रूर से मेरे को बता देना। वैसे कितने चाहिए थे टोटल? 12 तो मेरे पास आ चुके हैं ना गाइज, 12 आ चुके हैं। मैं थोड़े एक दो और पेड़ तोड़ के लेके चलता हूँ। अगर कम पड़े तो गाइज यहाँ पे काम आएंगे ये पेड़, और अगर ज़्यादा हो गए तो मैं थोड़े से स्टोर करके रख दूंगा, फ्यूचर में काम आ जाएंगे हमारे। चलो गाइज सारा का सारा जो ना गाइज यहाँ पे वुड इकट्ठा करके हो चुका है, थोड़े से जो ना गाइज जैसे फ्रूट भी इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं गाइज यहाँ पे, ये भाई सारे के सारे वुड के प्लैंक बनाने के लिए अपने घर पे। लेट्स गो गाइज, घर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी खाली मेरे को इसके प्लैंक बना देने और 2 दिन खाली मेरे को आराम करना है गाइज, ठीक है। अभी जब से गाइज हमारा सारा का सारा फसल उजड़ चुका है ना, तब से यहाँ पे पानी डालने का झंझट खत्म हो चुका है। अभी भाई जितना भी हम भाई डे स्किप करना चाहते हैं ना, उतने डेज अपन यहाँ पे बड़े आराम से स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई 9 वुड टोटल और बचा हुआ है मेरे पास, ठीक है। इनके भी प्लैंक बना लेता हूँ मैं। हो गया डन, खत्म भाई, 4 ही बचा हुआ है, 2 ही बचा है अभी तो भाई खत्म। चलो डन, लेट्स गो। सारा वुड भाई फटाफट से जो ना गाइस यहाँ पे उठा लेता हूँ। ओके कितना हो गया, 20+ हो चुका होगा, आई थिंक 19 हो चुका है। लेट्स गो गाइस, अभी सारा सामान जो है ना तुम्हारे भाई के पास आ चुका है। अभी जाके फटाफट से यहाँ पे ये शॉप जो ना कैसे बना लेते हैं गाइस, ठीक है। प्लेस आइटम्स एंड नेल सॉरी है भाई, ठीक है तुम्हारो। हाँ जी डन, लेट्स गो। 2 दिन मेरे को सोना पड़ेगा, सो लगातार 2 दिन तुम्हारा भाई सोएगा। और मेरे को लग रहा है कि मेरे को 200 रुपये इंटरेस्ट जो है ना गाइस वो यहाँ पे बैंक में मिलने वाला है। अच्छा चलो, तो पूरे के पूरे 2 दिन सोएंगे अपन मस्त बेकी। ओ यस गाइस, लेट्स गो। सैली सैली आ चुकी है गाइस, ठीक है। और एक मेल भी आ चुका है मेरे को, ये किसका है? अबे यार ये तो अपने जूते बीते जो मैंने खरीदे थे ना गाइज वो है भाई। ये बेच देता हूँ ना जॉन को गाइज, मैं जॉन को बेच दूंगा, मेरे किसी काम के नहीं है भाई। यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ? ओ एक शॉप का कोई अचीवमेंट कंप्लीट हुआ है। टोटल 8 जो है ना गाइज लोग हमारे इस टाउन में रहने के लिए आए गाइज, मजाक हो रहा है क्या? 8 पीपल, ओ माई गॉड ओ माई गॉड। ये अभी तो गाइज मेरे हिसाब से बंद ही होगा गाइज, रीड कर लेता हूँ रुकना। रीड कितने बजे खुलेगा? हाँ तो क्लोज तो मेरे को भी बताए लेकिन कितने बजे खुलेगा वो नहीं है क्या यहाँ पे टाइम टेबल वीम टेबल कितने बजे खुलता है करके? नहीं लग रहा है, नहीं ये लग रहा है 9 AM को। ओके ठीक है ठीक है ठीक है 9 AM को खुलेगा। अरे यार मैं फर्नीचर के शॉप में गया ही नहीं अभी तक भाई, बैंक में जाके। बैंक भी बंद है क्या? सैटरडे और संडे को बैंक बंद होती है लग रहा है गाइज, सैटरडे संडे को मेरे को लग रहा है बैंक बंद होती है गाइज। रुकना मैं देखता हूँ, क्लोज वाई क्लोज लेकिन अंकल। अच्छा अच्छा संडे है, संडे को तो बैंक बंद ही होती है ना गाइज, संडे को बैंक बंद होती है। तो अभी मेरे को इंतजार करना पड़ेगा इनके शॉप को खोलने का गाइज, ठीक है। वैसे भाई यहाँ पे मिशंस क्या है भाई देख लेता हूँ। फोटो रिक्वेस्ट, फोटोग्राफ, टेडोर, ये क्या होता है टेडोर पता नहीं गाइज, शो रेनी और द फोटोग्राफ, ठीक है। चलो ये भाई कर लेता हूँ तब तक टाइम पास के लिए। उसके बाद क्या है, कलेक्ट 23 ग्रास सीड, ग्रास सीड्स एंड कितना टाइम है 3 डेज में। ओके ठीक है चलो कर लेता। मेकिंग क्या क्या पेस्ट्री एंड शॉर्ट कैबेज, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को मिशन। चलो गाइस मैं जो ना कैमरा बाय कर लेता फटाफट से म्यूजियम में जाके, एंड इससे जो ना गाइस हमको फोटो खींच लेना है गाइस, और वो फोटो लेके आके यहाँ पे इसको दिखाना है हमारे इस लोंडे को। और ये आई थिंक यहाँ पे जो भाई फ्रेम बने हुए ना उनके अंदर शायद वो फोटो ऐड कर लेगा, पता नहीं मेरे को, देखते चलो। अब एक कैमरा का इस्तेमाल करके हमको किसका फोटो खींचना है ये तो इसने बताया नहीं यार। फोटोग्राफर ये टोइडोर क्या होता है गाइस, ये टोइडर मेरे को समझ में नहीं आया गाइस, थोड़ा गूगल मारना पड़ेगा कि टोइडर किस बर्ड को या किस भाई यहाँ पे इंसेक्ट को बोलते हैं गाइस। यहाँ पे ना ये जो हमारे मिस है ना रायन, इनको जो है ना वो टोइडर सर जी जो है ना ये म्यूजियम वाले अंकल ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए, तो बोल रहे फोटो खींच के दिखाओ ना यार हमको उनकी, तो इसलिए तुम्हारा भाई जो ना गाइस फोटो खींचने के लिए आ गया भाई। लेकिन कैमरा कैसे यूज़ करते भाई, एक मिनट रुक जाओ, कैमरा यूज कैसे करूँ मैं? डिचिक डिचिक, अब ये कैमरा यूज़ कैसे करना है ये कोई बताएगा मेरे को? मेरे को बताया नहीं गाइस कि कैमरा यूज़ कैसे करना है, और मैं आ गया गाइस यहाँ पे इसका फ़ोटो खींचने के लिए। ये तो मैप भी ओपन हो रहा है,
मेरे को बता नहीं था कि इसके कैमरा यूज के लिए कोई और बटन बिटन है। अच्छा ये अंदर, ओ ओ मैं अंदर मतलब, अच्छा जी मैं अंदर फोटो नहीं खींच सकता। जब भाई सर जी शॉप बंद करके बाहर आएंगे तब मेरे को फोटो खींचना है। ठीक है भाई ठीक है, ये कर लो पहले। वैसे शॉप आज तो बंद नहीं होगा ना? आज बंद होगा तो दिमाग घूम जाएगा। नहीं, हर रोज खुलता है भाई। हाँ हर रोज खुलता है गाइस, ठीक है। बस खाली भाई ट्यूसडे को जो ना गाइस बंद होता है, बाकी हर रोज खुलता है। चलो आ जाओ, तो जो भी हमारे जो ना गाइस विलेज में रहते हैं उन सबका फोटो खींचा जाए थोड़ा सा। हेलो सर, जूम कर सकता हो क्या? हाँ जी। वाह हेलो सर, हेलो कैसा है फ्रैंकलिन? चलो फ्रैंकलिन का भी फोटो खींच लिया। वैसे फोटो सेव कहाँ पे होते हैं? क्विक मूव, स्प्लिट स्टैक, ये बता नहीं गाइस कहाँ पे शिफ्ट होते हैं। 9 बज गए ना, सो अपने शॉप में जा रही है, मैं भी चलता अंदर। ओ भाई वो ग्लासेस भी सेज गया भाई, सन ग्लासेस बोले गाइस। ठीक है रुक जा, इससे बातें शाते कर लेता हूँ मैं। हेलो जी हाउ आर यू? हाँ जी जरा मेरे को बताइएगे कि आपके पास अभी कोई नई चीज़ें आई कि नहीं। सन ग्लासेस आया भाई, ठीक है। अरे नहीं ये तो भाई ऐसे फेस बैंडेड वो नहीं भाई, ये चाहिए यार। मैं सन ग्लासेस लेता हूँ, रुक जाओ यहाँ से। ये सन ग्लासेस बाय कर लेता हूँ 2000 की, ठीक है। एंड ये तुम्हारा भाई यहाँ पे लगाएगा भाई, ठीक है। ओ भाई तेरे भाई जैसा गाइज कोई हार्ड ही नहीं है भाई, क्या लग रहा है भाई मेरे को ना। ये ग्लासेस से एक मूवी की याद आ गई है गाइस, मैट्रिक्स की भाई। मैट्रिक्स में सेम ऐसे ही भाई काले काले ग्लासेस थे, काफी कूल लग रहे। चलो अभी भाई सैली जी का भी मिशन तो कंप्लीट कराना है ना मेरे को भाई। सैली जी आपका क्या मिशन है भाई? नीड एनीथिंग? समथिंग टू ईट भाई, आई कैन डू दैट। वैसे मेरे पास पड़ा हुआ है गाइस, मेरे पास पड़ा हुआ है। हियर वी गो, हियर यू गो। यप, हाँ ये बनाना खा लीजिए आप, ठीक है। हाँ जी बनाना खा लीजिए। हाँ जी हाँ, लेट्स गो। अभी जो ना गाइस मैं सैली जी से ना, एक मिनट रुक जाओ, सैली जी को अपने भाई टाउन में रहने के लिए ना वो कर देता हूँ, ठीक है, कन्वेंस करता हूँ। पता है कैसे? देखना भैया देखना, मैं सैली जी से बोलूँगा कि मेरा थोड़ा सा हेयर कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है। अबे वेलकम, यस प्लीज, प्लीज टेक अ सीट। अच्छा हाँ हाँ ठीक है चलो। हाँ जी सैली जी अभी थोड़ा सा हाउ हाउ बाद में करना। न्यू हेयर कलर, आई हैव चेंज, ओके न्यू हेयर कलर भाई, ठीक है। अभी चेंज करना पड़ेगा गाइज, अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं है ना गाइज, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ भाई। ओके रेड कर लूँ क्या? बाप रे तो भाई एकदम, हाँ मैं चाप रही। लेट्स गो गाइज, सिलेक्ट भाई, ठीक है चलो। डन 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 एंड टॉक टू सैली। हेलो सैली मैडम जी, आई वॉन्ट टू चैट, क्या आप हमारे विलेज में रहोगे? नहीं यार ये अभी तो भाई नहीं रहेगी बोले गाइज, अभी तो कोई सीन ही नहीं है। मैं थोड़ा स्ट्रीट कर लेता हूँ एंड वापस से अपना हेयर कलर जो है ना वो पुराना वाला ही कर लेता हूँ। स्मार्ट देख रहा है तुम्हारा भाई, स्मार्ट तो है गाइज, हाँ स्मार्ट तो है भाई, ठीक है। ये वाला था गाइज, ठीक है चलो। पैसे नहीं लिए क्या? ओ एक मिनट रुक जाओ, पैसा नहीं है क्या मेरे पास देने के लिए? अरे सैली जी को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे गाइज। भाई फोकट में हेयर कट करा ली क्या, मतलब हेयर कलर करा लिया क्या हमने? पता नहीं गाइज मेरे को, लेकिन मेरे पास भाई पैसे नहीं थे देने के लिए। चलो गाइज सैली जी जो ना गाइज वो मेरे हिसाब से अभी तो यहाँ पे हमारे टाउन में रहने नहीं वाली है। वैसे हमको हमारे टाउन को जो ना गाइज और भी ज़्यादा डेकोरेट करना है, एकदम खूबसूरत सा बनाना है। और ये जो ना गाइज ये सारा का सारा जितना भी नुकसान हुआ है ना गाइज वो भी अपन को कवर अप करना है। ये सब कुछ करेंगे गाइज अपन फ्यूचर में गाइज, ठीक है आने वाले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आज भी हमारे टाउन में जो ना गाइज एक नए मेहमान आ चुके हैं और अभी हमारा टाउन एकदम फुल लग रहा है। और इस टाउन को मैं भी डेकोरेट करना जो है ना भाई बहुत ज्यादा जल्दी चालू करने वाला होगा, ठीक है। वैसे मैं तब तक गाइस आज एक मिशन करके चला जाता हूं ना गाइस। मिशन क्या बताऊं? ये तो नहीं हो पाएगा। ग्रास सीड का मैं मिशन एक्चुअली में कर सकता हूं कंप्लीट, बताया कैसे? अगर मैं ये लेता हूं एंड संडे को बंद होता है गाइस का, पता नहीं संडे को बंद है क्या, फ्राइडे को बंद होता है, 11 बजे खुलेगा, ठीक है। सो मेरे को ग्रास सीड जो है ना जो चाहिए होगी, तो मैं अगर ऐसे ग्रास, हाँ देख रहे हो, अगर ऐसे ग्रास तोड़ता हूँ ना तो इससे मेरे को ग्रास सीड मिल जाएगी गाइज, ठीक है। देखो देख रहे हो, तोड़ दो भेज गया, तोड़ दो भाई। माइनक्राफ्ट की तरह है भाई, घास तोड़ो और वहाँ से सीड ले लो। वैसे ग्रास सीड उसको क्यों चाहिए मेरे को पता नहीं, और उसने डायरेक्टली 20 ग्रास सीड मंगाई है। सो उसका जुगाड़ जो है ना गाइज करके मैं उसको भाई 20 ग्रास सीड यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। मेलविन सर जी को 20 ग्रास सीड चाहिए पता नहीं क्यों, सो वो अपन उनको देने का काम करते। कितने हो गए मेरे पास टोटल? 13 हो चुके। अबे यार ग्रास सीड तो काफ़ी ज़्यादा ही मात्रा में मिल रहे यार, 15 हो गए गाइज।
इजी पीजी गाइज हो जाएगी गाइज। कलेक्ट यहाँ पे सारी की सारी ग्रास सीड जितनी मेरे को चाहिए विद इन वन मिनट गाइज, लेट्स गो। अच्छा एक एक ही मिल रही है यार अभी, अभी थोड़ी सी कम मिल रही है। वो मिल गई, कितनी हुई टोटल? चार और, कितना चाहिए बताओ भाई? दो खाली और चाहिए, हो गया काम गाइज। ये लो दो यहाँ पे पड़ी हुई है, लेट्स गो। चलो गाइज मेलविन सर जी से बात कर लेते और थोड़े से पैसे ले लेते उनसे। मेलविन का ही था ना ये मिशन वैसे। शिपिंग रिक्वेस्ट नहीं यार, ये तो किसी और का लग रहा है। अच्छा बैंक बंद है तो भाई इनको ढूंढू कहाँ पे मैं, कि कहाँ पे घूमने गए अभी ये लोग? वैसे टाउन में आजू बाजू ही घूम रहे होंगे वो अलग बात है, बट इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। गार्ड पे बैठ जा बेटा, लेट्स गो भाई। देखते हैं ये सर जी जो है ना गए, जो बैंक वाले सर जी कहाँ पे चले गए? मेरे को दिखाए तो दे नहीं रहे, क्या पावड़ी कर रहे क्या सारे मिल गए साथ में? इसका तो मिशन नहीं था ये भाई, कहाँ पे चले गए सारे भाई? यहाँ पे फ्रैंकलिन दिखाई दे रहा है मेरे को, उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा गाइज। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। हेलो अंकल जी, इधर 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 इधर। हाँ आपके लिए ये सीड लेके आया हूँ मैं। यस डन, ये लो 23, गिन के 23। बस क्या, लेट्स गो। 4000 डिंग्स दिए गाइस मेरे को इसने, थैंक यू सो मच सर जी, लेट्स गो। तो हमारा एक और मिशन कंप्लीट हो चुका है। ओ एक मिनट रुक जाओ, म्यूजियम, अरे नहीं यार म्यूजियम तो संडे को भी ओपन होता है ना, मेरे को रात का इंतजार करना पड़ेगा ये वाला मिशन कंप्लीट करने के लिए। चलो कोई ना, वो वाला जो मिशन है ना गाइस, जो फोटो खींचने वाला, वो हम भाई बाद में जो ना गाइस अभी कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आज का हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड जो ना गाइस, वो इसी के साथ हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते। थोड़ा सा पहले यहाँ पे टिन एंड कॉपर मिला है, वो तोड़ लेता हूँ। टड़ा, तोड़ दिया भाई हमने, ठीक है सब कुछ तोड़ के हो चुका है। एंड अभी मेरा एक मिशन है गाइस डेली वाला, देख रहे हो, मैं अगर स्मेल्ट सम ओर इन टू बार्स। हाँ ठीक है चलो, वैसे काम कर लेता हूँ। ओके अपना मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा और अपना काम भी 25 हो जाएगा। ओके आ जाओ, चलो मैं फटाफट जो है ना, एक मेरे को भाई कोई ना कोई और जो है ना गाइस वो तोड़ लेना है, मतलब पत्थर से निकाल लेना है, तो मेरा डेली मिशन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे रिवॉर्ड में कितना मिलने वाला है? 100 इसमें 125 मिलेंगे गाइस, टोकन्स 125 टोकन्स के लिए तो अपन कुछ भी करेगा। रुको रास्ते में भाई, ओ क्या हुआ, कुछ तो कंप्लीट हो गया। ओ भाई 2000 टोटल फ्रूट जो ना गए तो तुम्हारे भाई ने खाली पेड़ से तोड़े गाइस, 2000 मजा को रह गया ब्रो, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में तोड़ दिया लग रहा है मैंने। आ जाओ मेरे को यहाँ पे अभी क्रिस्टल का और कहीं पे तो दिखा था, मैं क्रिस्टल का वो पत्थर ढूंढता। ओए सिंपल एनिमल ट्रैप, हाँ तो पता है मेरे को तो ये ऐसा खुला खुला का ही पड़ा है भाई, इसमें कोई ट्रैप नहीं होता क्या? मैंने वो वाली वीडियो का आई थिंक कमेंट अभी तक पढ़े नहीं है, मेरे को जाके पढ़ने पड़ेंगे। मेरे ट्रैप तो ऐसे गाइस ओपन में पड़े हुए हैं गाइस, जिनके अंदर कोई भी भाई ट्रैप नहीं होता। मेरे को बेड के लिए कुछ ना कुछ शायद डालना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है ये रहा गाइस, थोड़ा सा टिन मिल रहा है यहाँ पे, ये तोड़ लेता हूँ, अपना एक मिशन कंप्लीट हो जाएगा और थोड़े से हमको टोकन्स मिल जाएंगे। वैसे मैं बैंक्स में से टोकन जो है ना गाइस वो भाई कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब मनी को टोकन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कूल चीज़ लगी मेरे को। आ जाओ अभी मेरे को जो ओर्स मिले ना गाइस, ये आप ओर्स देख रहे हो, अगर ये ओर में यहाँ पे पिघला देता हूँ तो मेरा एक और मिशन कंप्लीट हो जाएगा और मेरे को 100 और जो टोकन्स है ना गाइस वो मिल जाएंगे। सो मैं फटाफट से ये ओर्स को यहाँ पे पिघलाने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है लेट्स गो। हो गया गाइस मिशन कंप्लीट ना मेरे भाई, लेट्स गो मिशन कंप्लीट। और क्या बचा अभी? ईट समथिंग भाई, ईट समथिंग, ये लो भाई खा लिया। ये लो गाइस ये भी मिशन कंप्लीट, डेली टास्क सारे के सारे कंप्लीट कर दे तुम्हारे भाई ने। चलो तो फिर गाइस इसी के साथ ओ ये उठा लेता हूँ भाई, ठीक है। तो गाइस फिर इसी के साथ आज का जो एपिसोड है यही पे खत्म करने का टाइम आ चुका है। हमारा टाउन धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है और फ्यूचर में हमारा टाउन और भी ज्यादा बड़ा होगा गाइस। और गाइस हमारे टाउन को डेकोरेट करने का काम भी जो ना गाइस एक दो एपिसोड बाद हम शुरू करने वाले। तो गाइस फिलहाल के लिए एक काम कर लेते हैं। अरे भाई सोते हुए क्या लग रहा था भाई ये चश्मे में, खतरनाक गाइस। वैसे तुम्हारे भाई का नया चश्मा कैसे लगा जरूर बताना नीचे कमेंट करके गाइस, ठीक है। तो फिर चलिए आज का एपिसोड फिलहाल के लिए यही पे खत्म कर लेते हैं, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में गाइस। इनकम के तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस, मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में। बट इट्स टू लेट नाउ, आई रिमेंबर यू एंड मी एंड हाउ केयरलेस वी बी ऑल डे एंड ऑल नाइट, वी स्टे अप, इट फेल्ट सो राइट, वी वर सो यंग, वी वर सो डम, वी वुड गेट